हेलो दोस्तों, आज मैं और एक सिंपल रेसिपी लेकर आई हूँ और जिसका नाम है एग ऑमलेट करी। एग ऑमलेट करी बहुत ही आसान है और बहुत ही कम टाइम लगता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एग ऑमलेट करी बनाने के लिए मैंने लिया है 2 अंडे। अंडे में थोड़ा सा नमक दे के अच्छे से फेंट रही हूँ, जैसे हम लोग नॉर्मल ऑमलेट बनाते हैं ऐसे ही। तो अभी थोड़ा सा तेल दे के मैं ऑमलेट बना रही हूँ। कभी कभी तबीयत बहुत ख़राब हो जाता है और गर्मी में भी किचन में रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, उसी टाइम ये रेसिपी बनाएंगे तो बहुत ही कम टाइम लगता है और टेस्टी भी बहुत होता है। तो मैंने यहाँ पर ऑमलेट बना लिया है। अभी थोड़ा सा तेल देके 2 अनियन दे दिया है मैंने, 2 अनियन कट करके, और अभी अदरक लहसुन का पेस्ट दे दिया है। इसको थोड़ा सा फ्राई करूँगी, बहुत ही कम टाइम, जैसे कि मैगी बनाने में 2 मिनट लगता है, ये भी 2 से 3 मिनट लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं। यहाँ पर मैंने 1 आलू और 1 टमाटर लिया है। मैं यहाँ पर 2 लोगों के लिए बना रही हूँ, तो कम ही आलू ऐड किया है मैंने, 1 ही आलू ऐड किया है। तो आलू टमाटर देते ही मैं नमक, हल्दी, जीरा और थोड़ा सा रेड मिर्ची पाउडर दे दिया है। तो इसको अच्छी तरह से फ्राई करूँगी, 2 मिनट तक फ्राई करूँगी। अभी मैंने पानी दे दिया है, पानी दे दी, मैं इसको ढक दूँगी। तो देखिए बॉयल आ चुका है और आलू भी पक चुका है, मैंने पहले ही आलू को फ्राई कर लिया था। तो अभी लास्ट में मैं ऑमलेट दे दूँगी। प्लीज़ घर में ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही आसान है, बहुत ही कम टाइम लगता है और बहुत ही टेस्टी होता है। प्लीज़ घर में ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।